दोस्तों दोगलापन एक ऐसी किताब है जिसके नाम से ही कई लोगों को परेशानी हो सकती है, और वो भी क्यों ना, क्योंकि इस किताब ने चौराहे पर खड़े कई फालतू लोगों को जवाब दिया है कि वो लोग सक्सेसफुल तो होना चाहते हैं लेकिन बात जब मेहनत करने की आती है तो असली की भाषा में कहें तो वो लोग अपना दोगलापन दिखा देते हैं। मतलब अमीर तो हर कोई इंसान बनना चाहता है लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो अमीर बनने के लिए कोई एक्शन भी ले पाते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अश्लील ग्रोवर की बुक दोगलापन के बारे में बता दूं। ये बुक कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे नहीं है बल्कि इस किताब में अश्लील ग्रोवर ने अपने बचपन से लेके बड़े होने तक की कुछ कहानियों के बारे में बताया है जो हमें लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। ये किताब हमें बताएगी कि एक राइट बिजनेस माइंडसेट कैसा होना चाहिए, अमीर बनने के लिए आपको क्या क्या चीज नहीं करनी चाहिए, जिंदगी के बुरे वक्त में कौन आपके साथ होंगे, बिजनेस वर्ल्ड में आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, ऐसे ही और कई चीजों के जवाब आज इस वीडियो में आपको पता चलने वाले हैं। 2022 में अश्लील की कुछ बातें जो कि उनकी कंपनी के लोगों को बहुत ही बुरी लगी तो उन लोगों ने अश्लील को अपनी कंपनी भारत पे और टीवी शो शार्क टैंक से निकाल दिया। अश्लील कहते हैं कि सच्चाई हमेशा तीर की तरह लगती है, जिन लोगों को ये कड़वी चीज पसंद नहीं आती वो खुद मुझसे दूर हो जाते हैं। इसके साथ अब तक जो भी हुआ है फिर वो चाहे अच्छा हो बुरा हो या फिर कोई सबक, इन सब से हमें 5 lessons मिलते हैं जिनमें से नंबर 1 है इनसाइड फायर। क्या आपको पता दुनिया में ज्यादातर लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। ऐसे लोगों ने अपने माइंड को एक बॉक्स में बंद कर लिया है, उन्हें लगता है अब जो भी है यही है, अब हमें इसी में गुजारा करना है। वो कभी भी बॉक्स के बाहर सोचते ही नहीं है, उन्हें लगता है कि जैसे मैं जी रहा हूँ यही मेरा लक है और वो इसी सिचुएशन में खुश है। और इसी वजह से ऐसे लोग आगे बढ़ने के लिए कोई एक्शन ही नहीं लेते, या ये भी कह सकते हैं कि ऐसे लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। देखो अश्लील ग्रोवर भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और जिंदगी में ऐसे मौके कभी ना कभी जरूर आते हैं जब हम आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं। अश्लील ग्रोवर को ये मौका कनाडा जाने के बाद मिला। जब उन्होंने वहां पर कदम रखा तो वो वहां की चकाचौंध देखकर बहुत हैरान हो गए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, सुपर कार्स और लग्जूरियस लाइफस्टाइल को देखने के बाद और कुछ होना हो लेकिन उनके अंदर एक भूख जरूर जाग गई, और वो भूख थी पैसे कमाने की। अश्लील ग्रोवर का कहना है कि अगर आपके अंदर किसी गोल या फिर पर्पस को पूरा करने से पहले उसे पूरा कर देने की भूख ना हो तो उस काम से पॉजिटिव रिजल्ट मिलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। मतलब हाई विल पावर यानी अंदर से इच्छा होना भी बहुत जरूरी है। लेसन नंबर 2, अ जॉब कांट मेक यू रिच। क्या आपने कभी सोचा है कि जब अश्लील ग्रोवर एक बिजनेसमैन नहीं थे तो वो उससे पहले क्या कर रहे थे। अश्लील ने अपनी कॉलेज डिग्री कंप्लीट करने के बाद 9 years तक जॉब की और फिर उसके बाद उन्होंने एक फैसला किया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। इन 9 years में उन्होंने एक स्टेबल लाइफ तो जी लेकिन जितना भी कमाया वो सिर्फ खर्च में लगता चला गया। उनका कहना है कि ऐसी सिचुएशन से निकल कर वो कुछ अलग और बड़ा करना चाहते थे, और ये बात उन्हें अच्छे से समझ आ गई कि अगर मुझे जिंदगी को सही मायने में जीना है तो मुझे बिजनेस करना होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये बुरी बात है। कुछ लोगों को शायद एक ही तरह की जिंदगी जीना पसंद है, वो चाहते हैं कि मेरी इनकम स्टेबल हो। सो दैट्स माइंड बट नॉट ग्रेटर। अश्लील ग्रोवर का मानना है कि अगर आपके अंदर कुछ बड़ा करने की भूख पैदा हो गई तो उसे सिर्फ बिजनेस से ही मिटाया जा सकता है, क्योंकि आपकी जॉब कितनी अच्छी क्यों ना हो आप उससे पूरी तरह से अपनी आइडियाज पर काम नहीं कर सकते। अब ऐसे में अगर आप अपनी करंट जॉब से खुश नहीं है तो आप अभी से पैसा सेव करना शुरू कर दें ताकि वक्त आने पर आप उन पैसों से साइड बिजनेस की शुरुआत कर सको। लेसन नंबर 3, स्पेंड टाइम विद रिच पीपल। अश्लील ग्रोवर बताते हैं कि उन्होंने इंडिया में रहते हुए एक बात ऑब्जर्व की। इंडिया में ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को अमीर लोगों से मिलने से मना करते हैं। वो इसका ये कारण बताते हैं कि उनके बच्चे लालची हो जाएंगे या फिर बिगड़ जाएंगे। लेकिन आप एक बार खुद सोच कर देखो, क्या हर अमीर बच्चा बिगड़ा हुआ होता है? नहीं। लेकिन अक्सर बिगड़े हुए तो वो लोग हो जाते हैं जिन्होंने पैसा कमाने के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। इसीलिए आजकल के पेरेंट्स को ये बात जरूर समझनी चाहिए कि अगर उनके बच्चे की किसी अमीर बच्चे से दोस्ती हो भी जाती है तो उसे उससे बात करने की इजाजत जरूर दें। इससे फायदा ये होगा कि वो किसी अमीर बच्चे के साथ रहकर वो बातें जान पाएंगे जो कि वो किसी गरीब बच्चे के माइंडसेट से नहीं सीख सकते। वो जान पाएंगे कि अमीर लोग किस तरह से सोचते हैं, उनके जीने का तरीका क्या है, और वो लोग अपने पैसे को किस तरह से मैनेज करते हैं। ये सब चीजें उन्हें कुछ ही वक्त में समझ आ जाएंगी। लेसन नंबर 4, डोंट बी ए वन मैन आर्मी। इमेजिन कीजिए कि आपका बिजनेस माइंड बन गया है लेकिन
आपने इससे पहले कंप्यूटर साइंस की डिग्री ले रखी थी जिसमें आपने कोडिंग भी सीखी थी, तो क्या अब आपको अपने बिजनेस के लिए खुद ही एप्स बनानी चाहिए? तो इसका बिल्कुल सीधा सा जवाब है नहीं। मान लीजिए कि आपके दिमाग में एक ऑनलाइन बिजनेस करने का आइडिया आया जिसके लिए आपको एक ऐप डेवलप करनी होगी, तो क्या आप खुद दिन रात एक करके ऐप बिल्ड करने में लग जाओगे? तो बाकी कामों के लिए वक्त ही नहीं बचेगा, बल्कि ऐसा करना तो टाइम की बर्बादी होगी, क्योंकि बिजनेस करने के लिए वन मैन आर्मी बनने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि कोडिंग के लिए आप एक ऐसे बंदे को हायर कर सकते हो जो कि आपसे भी बेहतर हो। ऐसा करने से आपका बिजनेस ग्रो होगा और आप ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए सोच पाएंगे। लेसन नंबर 5, फैमिली और वर्क। और आखिर में एक इम्पॉर्टेंट लेसन ये भी है कि जब आप इन सारी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को फेस कर रहे होंगे तो उस वक्त आपको लोगों के साथ की जरूरत होगी, ऐसे में आपके परिवार वाले ही आपका साथ देंगे। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि अमीर बनने की इस रेस में आप अपने पेरेंट्स या फिर फ्रेंड्स को पीछे ही छोड़ दो। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो आने वाले बुरे वक्त में आपके साथ कोई भी इंसान नहीं मिलेगा जो बिना सैलरी लेकर आपके साथ खड़ा हो। तो जितनी ज्यादा हो सके कोशिश करो बिजनेस और फैमिली दोनों को ही साथ लेकर चलो, एक की वजह से दूसरे को तकलीफ ना होने पाए। तो मुझे उम्मीद है कि दोगलापन की इस समरी को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने में हेल्प करो। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहो और सीखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।